नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सहारनपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमाउंट डिपो के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में सभी विधानसभा से लोग पहुंचेंगे। पीएम के आगमन को लेकर प्रशासन और पार्टी पदाधिकारियों की तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम को लेकर विमान डिपो ग्राउंड में पंडाल तैयार किया गया है। तैयार किए गए हेलीपैड पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को उतारा गया, साथ ही मंच तैयार किया जा रहा है। सहारनपुर में 14 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव को लेकर हर पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा रखा है और मुख्य पार्टियों के दिग्गज जो सहारनपुर आ चुके हैं। अब सहारनपुर में कल 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर एडीजी राजीव सबरवाल, डीएम अखिलेश सिंह, एसएसपी आकाश तोमर के साथ ही एसपीजी के अधिकारियों ने भी मैदान का मुआयना किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तमाम वर्गों को खुश करने की कोशिश की है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल आधे करना, रोजगार के वादे शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने जो भी सुझाव अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं वो जनता की तरफ से दिए गए हैं। हमने अन्य पार्टियों के सुझाव नहीं लिए। हमने पिछले 2 सालों से काफी संघर्ष किया, लेकिन हमारा संघर्ष उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी ने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना लिया जाएगा। बिजली बिल का रेट हाफ करने के साथ कोरोना प्रभावितों को 25,000 की मदद दी जाएगी। 20 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। महिलाओं को 40% रोजगार दिया जाएगा। किसी भी बीमारी के लिए 10 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा। रसोइये का मानदेय 5,000 रुपए किया जाएगा। झुग्गी में रहने वालों को उनकी जमीन उनके नाम की जाएगी। मध्यम वर्ग के लिए सस्ते आवास मुहैया कराए जाएंगे। ग्राम प्रधान को 6,000 और चौकीदार को 5,000 वेतन दिया जाएगा। कोरोना में जान गंवाने वाले योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद की जाएगी। शिक्षकों के पदों को 2 लाख तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। दिव्यांगों को 3,000 तक का मासिक पेंशन मिलेगा। महिला पुलिसकर्मियों को गृह जनपद में ही तैनाती मिलेगी। अब मैं आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश की महबूब नेता, जिन्होंने लगातार सड़कों पर संघर्ष किया, किसान, नौजवान, गांव, गरीब की आवाज उठाई, कभी डरी नहीं, दबी नहीं, जेल तक की यात्रा तय की और जनता के बुनियादी सवालों पर लाठी डंडे भी खाई, लेकिन इस सरकार के दमन का मुंहतोड़ मुकाबला किया, उत्तर प्रदेश की आवाज बनी। मैं चाहूंगा आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आए और अपने जन घोषणा पत्र को, जो ये उन्नति विधान है, जो हमारा शक्ति विधान है और जो भर्ती विधान है, ये जितने भी घोषणा पत्र हमने जारी किए हैं और इनमें जितने भी सुझाव हैं वो हमें यूपी की पब्लिक से मिले हैं। हमने पिछले मेरे ख्याल से एक डेढ़ साल से ये कोशिश की कि हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएं, हमारे नेता, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी जाए और सबसे चर्चा करके जो उनके अहम मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने का काम कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा करके तभी ये सारे सुझाव इस घोषणा पत्र में आए हैं। दूसरी पार्टियों की तरह हमने अन्य पार्टी के सुझाव लेकर अपने घोषणा पत्र में नहीं डाले। हमने जो भी इसमें डाला है वो पब्लिक की ही आवाज़ है। जैसे लल्लू जी ने कहा, हमने पिछले 2 सालों से बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमारा संघर्ष पब्लिक के संघर्ष के मुकाबले में कुछ नहीं है। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अमरिंदर पांडे ने नामांकन करने के बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखते हुए जनता अब की बार कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। इस दौरान और क्या कुछ कहा उन्होंने, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने, सुनिए। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अमरिंदर पांडे ने आज नामांकन किया है और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर नामांकन के बाद उनकी रणनीति क्या होगी, किस तरह से कांग्रेस के हाथों को मजबूत करेंगे। जो हमारी पार्टी का और आदरणीय प्रियंका गांधी का प्रतिज्ञा है,
उसको लेके हम जन जन तक जा रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि हमारी सरकार आप बनाइए और किस तरह से हम आपका विकास करेंगे, जिसमें जो है 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था है हमारे घोषणा पत्र में, 12-20 लाख लोगों को रोज़गार की व्यवस्था है हमारी जो घोषणा पत्र में, और इंटरमीडिएट पास छात्राओं के लिए जो है स्मार्टफोन की व्यवस्था है, स्नातक पास बच्चियों के लिए स्कूटी का व्यवस्था है, और आज के समय में परिवेश में उत्तर प्रदेश में 12 लाख नौकरियां वर्तमान में रिक्त हैं, जिसकी मतलब इस सरकार कोई भी सरकार जो आई है कोई सरकार इसका सुध नहीं ले रहा है कि उन लोगों को जो है नौकरी दिया जाए, रिक्तियां होने के बावजूद भी नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, और यहाँ के लोग अगर बच्चे एक टेट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, ये लोग बच्चों को युवाओं को हॉस्टल में दौड़ा दौड़ा के यहाँ की पुलिस मार रही है, ये यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार का। बीजेपी और सपा को आप कहाँ तक आंकते हैं और इस चुनाव में? जनता ने सपा को भी देख लिया है, बसपा को भी देख लिया है, भाजपा को भी देख लिया है, इस बार हम पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। खलीलाबाद 313 की विधानसभा की क्या स्थिति देखते हैं? 313 में इतनी बेरोजगारी है यहाँ पे लोगों को, युवाओं के पास, कि वह आपराधिक क्षेत्र में भाग जा रहे हैं, उनको लेके हम चल रहे हैं क्षेत्र में, उनको आईटी सेल का जो है हम लोग जो है आईटी में जो है बढ़िया निवेश करेंगे उन लोगों का, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया जो बंद हैं उसको चालू करा के वहाँ भी जो है युवाओं को रोज़गार देने का हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं खलीलाबाद विधानसभा सीट पर, और उनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसी से युवाओं को रोज़गार मिल सकता है, और कांग्रेस की सरकार अगर बनती है उत्तर प्रदेश में तो रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएंगे युवाओं को। कैमरा पर्सन अशोक कुमार और मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बिजनौर के धामपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से एक बार फिर सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार पर भरोसा करते हुए बीजेपी विधायक अशोक राणा को धामपुर से विधायक बनाकर बीजेपी को मजबूत बनाने की अपील की। इतना ही नहीं, सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था, कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब थी कि महिलाएं घर से भी निकलने में डरती थीं। उनकी सरकार में जो भी किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के तहत रुपए भेजा जा रहा है, अब वो सीधे किसान के खातों में पहुंच रहा है। पहले की सरकारों में जो भी पैसा जनता के लिए भेजा जाता था उनमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार शामिल रहता था, लेकिन हमारी पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाकर प्रदेश का विकास किया है। 15 सालों तक इस राज्य को लूटा है मित्रों, इस राज्य को लूटे और करे। मैं आ रहा हूँ, क्या करने आ रहे हैं? सरदार पटेल की मूर्ति उखाड़ कर जिन्ना की मूर्ति लगवाने आ रहे हैं? किस लिए आप आ रहे हैं? राम मंदिर को रोकने आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं? एक खानदान मिलकर पूरे राज्य को लूटता है, ट्रांसफर उद्योग बना देता है, भ्रष्टाचार करता है मित्रों। आदरणीय योगी जी का सरकार 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करता है। दिल्ली से 6000 किसान सम्मान निधि चलता है तो आपके खाते में सीधे 6000 जाता है मित्रों, 1 रुपए का रिश्वत नहीं लगता है, न दलाली लगती है। पहले राजीव गांधी कहते थे 1 रुपए चलता था तो 15 पैसा पहुंचता था, आज 2000 चलता है सीधे 2000 पहुंचता है मित्रों। आज सांप काटने पर, बिजली का करंट लगने पर मित्रों किसी की मृत्यु नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाता है मित्रों, तब 5 लाख उसके परिवार के लिए चेक सीधे पहुंचता है तो योगी सरकार पहुंचाते हैं मित्रों, और 1 रुपए का दलाली नहीं। मुजफ्फरनगर में कल पहले चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर अमीन मंडी स्थल से पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। साथ ही मुजफ्फरनगर की हॉट सीट पर PSF फोर्स भी तैनात की गई है। SSP अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण और सकुशल कराने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान स्थलों पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। वहीं मतदान स्थलों पर केंद्रीय पुलिस बल और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। वहीं संवेदनशील 327 मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहने वाली है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से 25 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और 156 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 327 माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए जाएंगे। चुनाव हमारे यहाँ जिले में कल हो रहा है, चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष हो, इसलिए हमारी तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, उसके बाद सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, तो इस तरह से हमारी 5 स्तरीय व्यवस्था है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट हो गया, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट जो मोबाइल बैग
कंट्रोलर मजिस्ट्रेट के बाद उसके ऊपर एसडीएम पुलिस फोर्स, अन्य पुलिस फोर्स 112 और कई प्रकार की हमारी मोबाइल गाड़ियां हैं और उनका मूवमेंट इस प्रकार बनाया गया है कि 3 से 4 मिनट के अंदर हर एक पुलिंग सेंटर पे कम से कम एक गाड़ी मूवमेंट करेगी। उसके अलावा हमने इसी प्रकार से मोबाइल की गाड़ियां लगाई हैं कि अगर कहीं से कोई सूचना प्राप्त होगी तो 4 से 5 मिनट के अंदर एक गाड़ी नॉन ऑर्डर वाली वहां तत्काल पहुंचेगी उस पुलिंग सेंटर के अंदर, चाहे वो कहीं भी हो, कोई ना कोई गाड़ी 3 से 4 मिनट के अंदर जरूर पहुंच जाएगी उस पुलिंग सेंटर पे। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। कानपुर में दूसरे दलों में बीजेपी ने सेंधमारी जारी कर रखी है। उत्तर प्रदेश की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी को जनता अस्वीकार करेगी। जहां एक तरफ कांग्रेस कानपुर दक्षिण के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा के पूर्व प्रत्याशी श्याम सुंदर गर्ग ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद और विधायक केसरी लाल के बेटे अजय कुमार ने भी बीजेपी का दामन थामा। वहीं अधिवक्ता डॉक्टर समेत विभिन्न समाजसेवी संस्था से जुड़े 257 लोगों ने भी इस दौरान बीजेपी की सदस्यता ले ली। समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए काफी लोगों ने ज्वाइन किया है। कांग्रेस के डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित ने 55 लोगों के साथ ज्वाइन किया। कुल मिलाकर अगर संदर्भ सूची का विचार करें तो 200 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन किया। इसमें व्यापारी गण भी हैं, अधिवक्ता गण भी हैं और विशेष बात यह है कि राजनीतिक दृष्टि से चिकित्सक दूर रहते हैं, राजनीति से चिकित्सा के व्यवसाय में जनसेवा में लगे रहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है। संतकबीरनगर की महेंदवाल विधानसभा से सपा प्रत्याशी जयराम पांडे ने नामांकन किया। नामांकन के बाद समर्थकों ने अपने प्रत्याशी का फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता केडी यादव ने कहा कि सूबे में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी संतकबीरनगर की 3 विधानसभा सीटें जीतने जा रही है। सूबे की जनता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। केडी यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, महेंदवाल में जयराम पांडे जी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और जयराम पांडे 5 साल तक वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुकृतियों से और वहाँ के अत्याचारी विधायक से उन्होंने लड़ा है और आज जब जरूरत पड़ी है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उन पर देख करके, उनके कर्मों को देख करके उन पर विश्वास किया है और जयराम पांडे हर समाज के नेता है, हर समाज के लोग उन्हें मिल करके चुनाव जिताने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। बरेली में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक राकेश टिकैत ने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उनका कहना था कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के खिलाफ साजिश रच रही है। मुझे अकेले बात करने का ऑफर तक दिया गया है लेकिन वो जाते नहीं है क्योंकि एक चक्रव्यूह है। सरकार चाहे किसी की भी बने लेकिन आंदोलन मजबूत रहेगा तो गाँव गरीब बचेगा। उन्होंने कहा कि गांव वालों को अब रोजगार चाहिए। यूपी और केंद्र सरकार पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार पूरा लेबर प्रदेश बन चुका है। बिहार के लोगों का जमीन पर से विश्वास हट गया है। मुकदमे दर्ज कम हो रहे हैं, अपराध कम नहीं है, मुकदमे दर्ज कम हो रहे हैं। अपराध की तो प्रक्रिया है, जो चोरी करेगा वो करेगा। नरेश टिकैत साहब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, उनका ये कहना है, उन्होंने आरएनडी को खुला समर्थन दिया। नहीं, 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 कल वहाँ के जो मंत्री हैं बीजेपी के वो भी घर पे थे, कल वो भी खाना खा रहे थे। अरे अगर कोई घर पर चला जाएगा तो क्या कहेंगे उसे? आशीर्वाद देने का साथ में खाने खाने का मतलब ये नहीं होता भाई। कोई घर पर चलेगा क्या कहोगे उसको? कोई नहीं, उन्हें पता है आप दे रेट में फसल बेच के कहीं वोट दे लेना। बाईस हो गया भाई, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 22 में डबल इनकम फार्मर की, किसान की होनी चाहिए। हम तो उस इंतजार में हैं कि डबल हो जाए। लखनऊ में सपा कार्यकर्ता ने बुर्का पहनी महिला के साथ बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि प्रचार के दौरान सपा कार्यकर्ता ने महिला के पीठ पर प्रत्याशी का स्टिकर चिपका दिया जो कि पार्टी प्रत्याशी था।
मुस्लिम महिला सपा प्रत्याशी अरमान खान का प्रचार कर रही हैं। बता दें कि अरमान मलिक लखनऊ पश्चिम से सपा प्रत्याशी हैं। वहीं वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सपा पर तंज कसा। वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि यही है लाल टोपी के काले कारनामे, जहां भरे हों ऐसे मंचले यूपी क्यों उनके साथ चले। बीजेपी प्रत्याशियों का जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में पीलीभीत के लिलौर खेड़ा ब्लॉक के किशनपुरा गांव में वोट मांगने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने घेर लिया। गांव में घुसने तक नहीं दिया। ग्रामीणों ने कोई विकास न होने का आरोप लगाते हुए वोट न देने की बात कहते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव से भगा दिया। बरेली में बीजेपी विधायक और समर्थकों का विरोध लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि जो भोजीपुरा के विधायक समर्थकों के साथ जनता से वोट मांगने पहुंचे थे, तो ग्रामीणों ने उनके साथ गाली गलौज कर दी। साथ ही 5 साल में सड़क का निर्माण ना होने का भी आरोप लगा दिया। वहीं ग्रामीणों के विरोध का वीडियो तेजी के साथ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संभल में बसपा समर्थकों पर वोटरों को लुभाने के लिए मिठाई बांटने का आरोप लगा है, जिसको लेकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने वालों में 2 नामजद और 30 से 35 अज्ञात लोग शामिल हैं। वहीं मिठाई बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि असमौली में बसपा प्रत्याशी रफत अल्लाह के गांव मदाला में जनसभा के दौरान मिठाई बांटी गई थी। कानपुर में 10 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चा 2 दिन से लापता था, उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई हैं। वहीं बच्चे की आंख निकाले जाने की भी आशंका जताई जा रही है। बच्चे के गर्दन के पास जूते की और उसके चेहरे पर सिगरेट से दागने के भी निशान मिले हैं। बच्चे के साथ कुकर्म करने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वो कुछ दावा कर सकते हैं। फरुखाबाद के सिंगीरामपुर में बालू खनन कर ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टीचर को रौंद दिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलाके में धड़ल्ले से अवैध बालू खनन हो रहा है, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। लखीमपुर खीरी में युवक मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि पूरा मामला गोला गोकर्णनाथ के मनुगंज का है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक की सिनेमा रोड पर उसके पिता ने पिटाई कर दी, जिसका मुकदमा पुलिस ने दर्ज नहीं किया, जिससे नाराज होकर वो मोबाइल टावर पर चढ़ गया, अपनी बात मनवाने का काम कर रहा था। वहीं पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिससे मौके पर गोला कोतवाल अरविंद कुमार पांडे दलबल के साथ पहुंचे। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ पल इंडिया के साथ।